हो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अच्छा इंट्रो नहीं दे सकता, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ हम कराची के लिए निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। सफ़र करते करते काफ़ी ज़्यादा थकावट होने लगी थी और सर में दर्द होने लगा था और सो गया था, तो इसलिए नींद भी आना शुरू हो गई थी। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप लोग का हो चुका था, अभी जो है हम जा रहे हैं कराची हमारे चाचू को लेने। लास्ट टाइम भी हम गए थे उमरा से लेने, लेकिन जब मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, अब जो है अलहमदिल्ला उन्होंने हज परफॉर्म कर लिया, तो उन्हें लेने जा रहे हैं। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। घूमते थोड़ी देर रुके हैं क्योंकि अब बस टांगे सीधी करने के लिए तकरीबन कराची पहुँच। हमने कॉल करके दूसरी गाड़ी को भी बुला लिया है, वो आती है तो फिर निकल जाते हैं थोड़ा बहुत टांगे सीधी करके, उसके बाद लेते हैं और सारे वापस सफ़र नहीं मिलते हैं। आज सफ़र स्टार्ट हो चुका है, वैसे तो इतना बोरिंग सफ़र तो मुझे लग नहीं रहा था, चीज़ नहीं थी और स्टूपिड चीज़ नहीं थी जो मेरा दिमाग खराब करे। का माहौल भी थोड़ा सेट सेट सा है, लेकिन वेदर बहुत ज़्यादा गर्म। यार फाइनली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, यहाँ पर मेन डेस्टिनेशन पर मिलता हूँ। दूसरी बात, तफ्तीश ऐसी पूरी हो रही है। करने के लिए कुछ तो था ही नहीं, तो हम एयरपोर्ट घूम रहे हैं। लास्ट टाइम काफ़ी दफ़ा घूम चुके हैं, लेकिन देख रहे हैं कि इस बार कुछ चेंज हुआ है या नहीं। बराती के साथ ही हमारे सामने एक दुकान है जिसका टॉपिक तो पेप्सी है, मगर काफ़ी चीज़ें ऊपर आने के बाद भी हमें रोड नज़र आ गया है। रेन आपको याद है, यहाँ पर अपन ने फोटोज ली थी, अपन ने ऐसे खड़े होके फोटो ली थी अपन चारों ने, जब अपन पिछली दफा आए थे तब उसको ओनली वन ईयर ही हुआ है, लेकिन तब आपको नहीं कर पाई गाड़ी पे। कभी आदत नहीं होगी कि हम बेहद जगह बैठ सकें, नीचे चल के यहाँ से जाएंगे नीचे गोल्डन आरी में चलना पड़ेगा। देखो इधर कुछ लगा ही नहीं, इधर वैसा चलना नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, गाड़ियां ने वो सामने चलो, वो क्राउड भी यहाँ जमा होता जा रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं जाने वालों का। जो हज पर काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड है ना यहाँ पर जमा हुआ है, हमने कुछ सर्विस ले ली थी और उसके बाद अभी तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। हमारा अभी तक दूसरा ग्रुप भी यहाँ तक पहुँचा नहीं है और क्राउड दिख दिख कर मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। अभी भी तक लैंड नहीं हुए, 10 मिनट तो होंगे, लेकिन अभी से ही यहाँ पर रश जमा हो चुका है। वो लिखा हुआ हज मुबारक, यानी यहीं से ही नहीं आ रहा कि क्या करें। बट यहाँ पर फोटो शूट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, तो वहीं लेने में हमारा टाइम निकलता जा रहा है और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि एयरपोर्ट कैसा है। वैसे तो काफ़ी दफ़ा ऑब्जर्व कर चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ भी नया तो नहीं दिखा, लेकिन मज़ा इस बार भी आया। ठीक से तो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर ज़्यादा मैं क्राउड में शोर करना नहीं चाहता हूँ कि सारी जो है अटेंशन मेरी तरफ आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, माइस कर लीजिए, सेटल कर लीजिए,
बिकॉज इतनी ज़्यादा तो मैं क्राउड में आवाज़ कर नहीं सकता, और फिर भी मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा सिर्फ आपके लिए। सो लाइक सब्सक्राइब से अभी से कर दो सब्सक्राइबर्स। अभी जो है हर्षा हमने पकड़ लिए हैं, मेरी जो है चची भी आ चुकी है, अब वेट तो है हमारा चाचू का, और इतना सारा लगेज चची के साथ था, यानी चाचू के साथ इससे दुगना डबल यानी दुगना लगेज होगा। सो लेट्स सी कि कहाँ जाते हैं, किसी कौन से ग्रुप के साथ जाते हैं और अब उनका लगेज कहाँ आता है। मेरा मोबाइल जो है कितना डेड हो चुका था, और उसके बाद हम लंबे सफ़र पे चले गए, जाएंगे थे सफर यहाँ पर हम सदा बाहर पे आए। एज यू नो के कराची के बाहर ही एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ हम थोड़ा बहुत रेस्ट लेंगे, अभी भी 9% चार्जिंग है, सो रेस्ट लेते हैं, ये रहता खाने पर, उसके बाद आपको मिलते हैं अगर मोबाइल जिंदा रहा। जो है काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम पहुँच गए हैं फाइनली टंडो अलाया, और यहाँ पर रास्ते में तो मैं पूरा रास्ता सोता रहा, आपने जहाँ तक देखा था, उसके बाद मैं पूरा रास्ता सोता रहा। जमिया कुलियम टंडोलिया पहुँच चुके थे, अब हमारा ग्रुप तो पहुँच चुका है, लेकिन जो मेन हजाज है वो दूसरे ग्रुप में चले गए थे, तो इस वजह से सब उनका इंतज़ार कर रहे हार लेकर। सो अभी जो है मैं नहा धोकर फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, तो अभी जो है हम उनका इंतज़ार करते हैं, आते हैं तो